तो चलिए दोस्तों, आज का गणित बहुत ही यूनिक होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो हम प्रश्न ले रहे हैं ना, वो अलग टाइप का है। निश्चित रूप से यदि आपको गणित कठिन लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, तो आपको गणित सरल लगने लगेगा, बिल्कुल भी गणित कठिन नहीं लगेगा। तो हो सकता है आपके घर में कोई बच्चा है जो किसी भी क्लास में पढ़ता हो, और यदि उसको गणित कठिन लगता है तो इस वीडियो को जरूर दिखा देना। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि बहुत ही यूनिक ट्रिक आज की वीडियो में मैं लाया हूं। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या आपको सिखाने वाले हैं। ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखा है, 98 और 00। तो ऐसे मैंने बहुत सारे प्रश्न लाए हैं आज के वीडियो में, और इस प्रश्न को आप देखोगे तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उसके उत्तर आप तुरंत दे पाओगे। जी हाँ, तुरंत इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिया जा सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ऑल को टच भी कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए आपको जवाब क्या देना है ना, निश्चित रूप से आज की वीडियो में आप एक नया चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ी संख्या भी हो सकती है और छोटी संख्या भी हो सकती है। इनसे ही बड़ी संख्या ले सकते हैं और छोटी संख्या का उदाहरण लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको समझाऊंगा। आपको यह बताना है कि ये जो संख्या है, आज की पूरा ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी सिद्धांत पर काम करेगा, कि जो भी संख्या हमको दिया होगा उसको पता करना है कि वो जो संख्या है वो किन दो लगातार सम संख्या या फिर विषम संख्या का गुणा है। अर्थात ये 9800 जो दिख रहा है वो कौन से दो लगातार सम संख्या या फिर विषम संख्या, मतलब ये जो ए और जो बी है वो दोनों सम संख्या भी हो सकता है और दोनों विषम संख्या भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए, दोनों सम संख्या ही होगा या फिर दोनों विषम संख्या ही होगा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो या तो सम होगा या विषम होगा। तो अब आपको बताना है कि 9800 किन दो सम संख्या या फिर किन दो विषम संख्या का गुणा करने से आता है। निश्चित रूप से ये तो समझ आ गया होगा कि ये जो संख्या दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि लगातार दो सम संख्या का गुणा होगा, लेकिन कौन से संख्या का, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये देखिए, जैसे आपको दिया गया है 255, ये किन दो लगातार सम संख्या या फिर विषम संख्या का गुणा होगा, ये भी आप बता सकते हैं। उसी प्रकार यहां पर हमने और भी बहुत सारे प्रश्न लिए हुए हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 9024, ये भी एक संख्या है, इनको भी आपको पता करना है कि ये किन दो लगातार सम संख्या या फिर विषम संख्या का गुणा होगा। यहां पर भी हमने बड़ी संख्या लिया है, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का भी उत्तर इस ट्रिक के माध्यम से आप जान पाएंगे, लेकिन इसके लिए इस ट्रिक को पूरा देखिएगा। चलिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिया हो तो करना क्या है, देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट अब समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार के जो भी प्रश्न दिया हो और पता करना हो कि वो किन दो लगातार सम या विषम संख्या का गुना होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, बस एक जोड़ देना है। तो 9801, अब ये किन संख्या का स्क्वायर है, और स्क्वायर निकालना बहुत ही सरल है, क्योंकि स्क्वायर निकालने के बहुत सारे ट्रिक हैं, उसी ट्रिक का प्रयोग आपको करना है। बहुत इजी होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना। निश्चित रूप से इसका हम वर्ग निकालेंगे तो ये बहुत इजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम 99 का वर्ग करें, 99 गुना 99 करें, तो यहां पर देखिए 99 का 99 से गुना करते हैं तो यहां पर क्या करते हैं, एक संख्या कम कर देते हैं, इतना आ जाता है। फिर 9 में कितना जोड़ेंगे, है ना, कि 9 आ जाए, तो भैया 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 आएगा। फिर 8 में हम कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, तो निश्चित रूप से 1 जोड़ेंगे। तो देखिये ये आ गया है, ये जो संख्या है वो क्या है, 99 का स्क्वायर है। देखिए ये 99 का स्क्वायर है, और इसी में यदि हम कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर दिया हो, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर दिया है, अब 9801 ये 99 का स्क्वायर है, तो इसमें यदि हम एक कम कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम एक कम कर देंगे, ये देखिए 9800 प्राप्त होगा। तो ये संख्या कैसे प्राप्त होता है और ये क्या होता है, तो याद रखिए यदि हम किसी संख्या का स्क्वायर पता है, जैसे 9801 ये 99 का स्क्वायर है ना, ये 99 का स्क्वायर है, तो इसमें अगर हम एक माइनस कर देते हैं, ये देखिए, और जो आंसर प्राप्त होता है तो वो इन ये जो स्क्वायर जिसका भी स्क्वायर होगा उसके अगल बगल की संख्या, अगल बगल की संख्या मतलब 98 इसके पहले की संख्या और बाद की संख्या 100, ये देखिए
इसी का गुना होगा ये वाला। अब आप कैलकुलेटर का प्रयोग करके इसका जांच भी कर सकते हैं, अर्थात 98 और 100 को गुना करेंगे, करके देखिए 98 और 00 ये आ गया। अब ये सारे ट्रिक, मतलब जितने गणित मैंने आज बताए हैं उन सभी संख्याओं पर ये ट्रिक काम करने वाला है। जैसे इस पर काम करेगा, कैसे काम करेगा, हमको पता क्या करना है कि ये किस संख्या का स्क्वायर के निकट है, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस वन करेंगे, वन करेंगे। जैसे हमने प्लस वन किया फटाक से हमारे दिमाग में आ गया ये 256, अरे ये तो किसका, ये तो क्या है 16 का स्क्वायर है, तुरंत समझ आता है। ऐसे 255 को देखे तो दिमाग नहीं दौड़ा, लेकिन जैसे 256 लिखता है तो दिमाग में आ जाता है अरे यार ये तो समझ आ गया 256, क्योंकि ये तो हमने याद कर रखा है ना कि ये 256 जो है 16 का स्क्वायर है। अर्थात जब ये 256 जो है, देखिए 256 16 का स्क्वायर है, तो जब भी आपको पता हो कि किसी संख्या का स्क्वायर पता हो उसमें जैसे ही एक माइनस करेंगे तो आपका जो भी उत्तर आएगा, जैसे 255 आया, अर्थात 16 का स्क्वायर कौन सा है 256, ठीक है। अब इसी में यदि हम एक माइनस कर देते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 255, और ये इनके आसपास के है ना, जैसे 16 है तो इसके पहले संख्या 15 और 16 के बाद की संख्या 17, इन दोनों संख्याओं का गुना होगा। निश्चित रूप से भाई 100% तय है कि 15 और 17 को आप गुना करके देखिए, इसका उत्तर जो है 255 ही आएगा। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक सिखा रहा हूं, अभी और भी बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको कभी भी कोई भी डाउट ना हो। जैसे ये किन दो लगातार सम संख्या या फिर विषम संख्या का गुना है ऐसा पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, इसके निकटतम स्क्वायर संख्या निकालने के लिए आपको इसको प्लस वन कर देना है, तो 9025 हो जाएगा। ये हमारा 9025 हो गया। अब ये 9025 किसका वर्ग है हमें देखते ही पता चल गया। क्यों पता चल गया, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर निकालना हो और अगर उसके इकाई में 5 है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 है और इसका स्क्वायर निकालना हो तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 5 × 5 = 25 करिए और दो अंक ही लिखिए, दोनों अंक को लिखना है। अगर इकाई में 5 है स्क्वायर निकालना है तो 5 × 5 = 25 के दोनों अंक लिखें, उसके बाद दहाई में जो संख्या बच जाए, जैसे दहाई में संख्या कितना है 3, इसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 3 है तो 4 से गुना करेंगे, 3 × 4 = 12, अर्थात 35 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका उत्तर 1225 ही आएगा, इतना तो तय है, ठीक है। अर्थात यहां पर भी हम उसी कॉन्सेप्ट का पालन करने वाले हैं। देखिए जैसे इसमें हमने जैसे ही 1 जोड़ा तो हमारा उत्तर आया 9025, अर्थात ये कब आया होगा, हमने भी आपको बताया ना कि 25 तो पहले से लिखना अच्छा है 25, अब 90 कब आएगा, है ना, तो 9 को हम गुना करेंगे 10 से, अर्थात 9 आ रहा होगा, अर्थात इकाई में 5 ही रहेगा और ये 9 रहा होगा, क्योंकि 9 को एक अधिक संख्या से गुना करते हैं, 9 × 10 तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 90, अर्थात ये जो संख्या है वो किसका स्क्वायर है 95 का स्क्वायर है। अर्थात आपको एक चीज समझ आ गया कि यहां पर हम जब 95 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है 9025, ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब हमको पता है कि ये जब इसका स्क्वायर है तो इसमें जैसे हम एक माइनस कर देते हैं तो हमारा उत्तर आता है 9024, ये देखिए आ गया है। तो ये किन दो लगातार सम संख्या या फिर विषम संख्या का गुना होगा, तो इसके अगल बगल, अर्थात 94 × 96। अब इसको आप गुना करके देख लीजिए, 94 और 96 को गुना करेंगे तो हमारा उत्तर यही आएगा, समझ तो आ गया होगा। ऐसे ही एक और उदाहरण देख लेते हैं, बड़ा संख्या दिख रहा है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही प्लस वन करेंगे तो हमें एक ऐसा संख्या मिलेगा, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये जिसका वर्ग होगा, ये जो संख्या है जिसका वर्ग होगा है ना, उसी के आसपास आपको जाना है। अब इसके लिए बहुत आसान है, हमने अभी आपको बताया है किसी भी संख्या के इकाई में 5 होता है ना और इसका हमें वर्ग निकालना होता है। ये देखिए तो हमको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं 25 लिखते हैं, लिख दिया, दो अंकों की संख्या पूरा लिख देना है। अब ये वाला काम हो गया, बाकी की जो संख्या है, ठीक है, यहां पर ये 32 है जी, याद रखना है ना, 1, 3, 2, ये कब आएगा, ये किन दो संख्याओं को गुणा करेंगे, अर्थात एक ऐसी संख्या, ये देखिए 1 और इसको इससे एक अधिक संख्या मतलब 12, इनको आप गुणा करेंगे ना तो 132 ही आएगा। अर्थात यहां पर हमारा छोटा संख्या क्या है 11 है, अर्थात यहां पर 11 रहा होगा ना, क्योंकि बाद की संख्या को एक अधिक संख्या से गुना करते हैं, अर्थात 11 को हमें 12 से गुना करना है तो हमारा उत्तर आएगा 132, अर्थात
ये हमें संख्या मिल गया है, ये कौन सा संख्या है अर्थात एक एक और 115 कहा जाए, 115 को यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा इतना, ठीक है। और इसी में आपने एक माइनस कर दिया होगा तो 1 3 2 और ये 2 4, ये संख्या किसका गुना था ये हमें पता करना था। तो इसका निकटतम अर्थात 114 गुना 116, ये देखिए दोनों लगातार क्या है, लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्या का गुना है ये। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा, इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आपको वर्ग पता होना चाहिए, बस वर्ग पता होना चाहिए था और ये ट्रिक आप पता कर सकते थे। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही उपयोगी है। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।